हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आवर साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड साइकोमेट्रिक चार्ट. दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 4 एंड द सब्जेक्ट नेम इज द रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द साइकोमेट्री. Psychometry is the study of the properties of the mixture of dry air and the water vapor. Psychometry के अंतर्गत में हम dry air और water vapor के जो mixture होता है उनकी study करते हैं. जैसे आपका air में यदि थोड़ी सी नमी आ जाए तो it is the under of the psychometry. ये psychometry के अंदर में आता है. Why study psychometry? To be able to analyze various processes involving moist air. तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रही है मॉइस्ट एयर में, या बोलना चाहिए ड्राई एयर कंटेनिंग द वाटर पेपर मिक्सचर, उनमें जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है उनकी स्टडी करने के लिए साइकोमेट्रिक को हम पढ़ते हैं. सपोज दैट एग्जांपल के रूप में लिया जाए कि इफ द एयर इज वार्म, यदि एयर वार्म है उस केस के लिए यदि हम बात करेंगे, इफ द एयर इज वार्म एंड वेट, वॉट विल बी द एयर कंडीशनिंग डिजाइन रिक्वायर्ड. तो क्या डिजाइन अपनी एयर कंडीशनिंग की रिक्वायर्ड रहेगी, उसके हिसाब से हमें साइकोमेट्रिक की स्टडी करना जरूरी रहता है. ड्राई एयर का मतलब क्या है यहाँ पे, अब ये देखने लायक है. बिकॉज ऑफ द साइकोमेट्रिक में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिसमें कि स्टडी करनी रहती प्रॉपर्टीज की. तो ड्राई एयर दैट इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर गैसेस. ड्राई एयर के अंतर्गत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितनी भी दूसरी गैसेस रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड रहती है और कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है, इस तरह की गैसेस का समावेश रहता है और उनका कुछ परसेंटेज रहता है. व्हेन द एयर कंटेनिंग द 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम एंड हैज ए मॉलिकुलर वेट ऑफ 29. एयर के अंदर 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है. बाई वॉल्यूम बेसिस पे भी हम देखा जाए तो ये 100% मिलके बनाते हैं और मॉलिकुलर जो वेट रहता है वो 29 रहता है. मॉइस्ट एयर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर. मॉइस्ट एयर जो रहती है ड्राई और वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन रहती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एयर. जो वाटर वेपर का अमाउंट रहता है वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो है वेरी करता है एंड रीचेस सेचुरेशन एट वन पॉइंट. सेचुरेशन पॉइंट के करीब पहुंच जाता है. और सेचुरेटेड एयर मिक्सचर, सेचुरेटेड एयर मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन विच द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इज इक्वल टू द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर. जहां पे कि वेपर और वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, उसे हम सेचुरेटेड एयर मिक्सचर के नाम से जानते हैं. ये इंपॉर्टेंट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है जिसमें कि सबसे पहले ड्राई वॉल्व टेम्परेचर, सेकंड इज द वेट वॉल्व टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी रेशियो है जो कि ग्राम पर केजी ऑफ ग्रेन्स पर फॉर्म में रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज फॉर्म में रहती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका डिग्री फारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब पर केजी में रहता है, एंथैल्पी किलोजूल पर केजी में रहती है. Before going on the properties, first of all you should know about the unsaturated and supersaturated. Unsaturated air mixture, it is a mixture of dry air and superheated water vapor. That is a mixture of dry air and superheated water vapor. It is called the unsaturated. The partial pressure of vapor being less than the saturation pressure. जो partial pressure रहता है vapor का वो less than होता है saturation pressure of water के एट अ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, उसको हम अनसेचुरेटेड एयर बोलते हैं. जबकि सुपर सेचुरेटेड एयर के मिक्सचर के केस में जो पार्शियल प्रेशर आपका वेपर का रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेयरिंग टू सेचुरेशन मिक्सचर ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और वो भी आपका मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर होता है. दोनों ही केस में ड्राई एयर वाटर वेपर का मिक्सचर होता है, बट दोनों ही केस डिफरेंट है. अनसेचुरेटेड के केस में जो पार्शियल प्रेशर वेपर का रहता है वो काफ़ी कम रहता है कंपेयरिंग टू पार्शियल प्रेशर सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर, जबकि इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है कंपेरिंग टू द वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. एंड द नेक्स्ट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की यदि बात करेंगे
तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो अपना पास होता है दैट इज़ द व्हेन द अनसैचुरेटेड एयर इज कूल्ड। यदि अनसैचुरेटेड एयर को यदि हम कूल्ड करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो द मिक्सचर रीचेज सेचुरेशन टेम्परेचर। मिक्सचर जो है सेचुरेशन टेम्परेचर को अचीव करता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के कॉरस्पॉन्डिंगली रहता है। दिस टेम्परेचर रिड्यूस द कंडेंसेशन ऑफ वेपर बिगन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स और ड्यू व्हेन द मिक्सचर इज कूल्ड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि जहाँ पे कि कंडेंसेशन वाटर वेपर और आपका एयर का स्टार्ट हो जाता है मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर रहता है दोनों का और दोनों जब आपस में कंडेंस होने की कंडीशन पे जाते हैं तो उस केस को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की कैटेगरी में लेके आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राई वाल्व टेम्परेचर, वेट वाल्व टेम्परेचर जो कि अभी हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं आपसे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इन सब के लिए एक अलग अलग आपका थर्मामीटर टाइप का बना है जो कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ड्राई वाल्व जहाँ की वाटर वेपर की क्वांटिटी जीरो होती है, वेट वाल्व जहाँ की वाटर वेपर पार्टिकल शामिल रहते हैं ड्राई एयर के साथ में या एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में, उसको वेट वाल्व टेम्परेचर बोलते हैं। तो वेट वाल्व टेम्परेचर के लिए वेट वाल्व थर्मामीटर इस्तेमाल किया है, ड्यू पॉइंट के लिए आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर थर्मोमीटर इस्तेमाल किया है। द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर एट द सेम प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ ए गिवन एयर मिक्सचर। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ की मॉइस्ट एयर जो कि रहती है आपकी सेम प्रेशर और ह्यूमिडिटी रेशियो की, जहाँ की उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और कंडेंसेशन मीन्स एयर इज कूल्ड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। एयर को यदि हम कूल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो उसे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये क्या होता है? पार्शियल प्रेशर के लिए एक डाल्टन लॉ बना हुआ है जिसमें कि हम बताते हैं कि यदि दो या दो से अधिक चीज़ों का कंटेंट होता है तो वहाँ का जो टोटल प्रेशर है गैस या कंटेनमेंट का या कंटेनर का, दैट इज द समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ईच गैस व्हेन इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो वहाँ पे आपका जो भी है, यदि वाटर वेपर है तो उसका और यदि ड्राई एयर तो उसका, यदि दोनों चीज़ आपकी शामिल है तो उसके केस में पार्शियल प्रेशर दोनों का लिया जाएगा एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। उस टेम्परेचर का मिक्सचर का देखा जाएगा कि उस पॉइंट पे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से हम ये चीज़ कंसिडर करेंगे। तो ड्राई वॉल्व टेम्परेचर, इट इज़ द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर डिनोटेड बाय द TdV। ड्राई वॉल्व टेम्परेचर जो कि ड्राई एयर का टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर में यदि वाटर वेपर की क्वांटिटी जीरो है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि वहाँ पे ड्राई एयर है, और ड्राई एयर का उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर रहता है वो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जैसे कि ड्राई वॉल्व टेम्परेचर थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं, वो उसकी वजह से उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाई ए वेट बल्ब थर्मोमीटर। यदि वाटर वेपर शामिल है ड्राई एयर के केस में तो उस केस में जो टेम्परेचर मेजर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, या बोलना चाहिए वो वाटर वेपर का मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर मेजर होगा। और इस केस में जो आपका टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट रहता है कवर्ड विथ ए विक सोक इन ए वाटर, ये एक गीले कपड़े में सोक के बताया जाता है। यदि आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इफ़ टेकिंग अ रॉड एंड अ क्लॉथ, वेट क्लॉथ इज कवर्ड विथ ए रॉड एंड ओपन इन टू द एटमोस्फेरिक एयर, देन दिस टेम्परेचर जहाँ पे कि वाटर वेपर का टेम्परेचर आपको मिलेगा वो आप डायरेक्टली वेट बल्ब थर्मोमीटर से ले सकते हैं। इसको TdV से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, ये तीनों ही वर्ड एक ही हैं लेकिन इनका मतलब क्या होता है ये अपने को देखने लायक है कि नॉर्मल वर्ड ह्यूमिडिटी क्या कहलाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दैट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को जो डिफाइन किया जाता है वो मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर रहती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर, एंड रिप्रेजेंटेड बाई द ओमेगा, ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मास ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर वेपर वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट ऑफ द वाटर वेपर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपॉन
प्रेशर ऑफ द एयर वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्सेंट ऑफ द एयर टी इज इक्वल टू पी वी आर ए अपॉन पी ए आर वी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी और टी बोथ साइड कैंसिल अप एंड डाउन तो यहाँ पे ये मिलेगा एंड वी नो दैट जी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल गैस कॉन्सटेंट दैट इज द एम ए आर ए एंड एम वी आर वी इज इक्वल टू जी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड जब दोनों ये चीज़ें आपकी इक्वल मानी जाएंगी उस केस में आर ए अपॉन आर वी इज इक्वल टू कैन यू राइट कैपिटल एम वी अपॉन कैपिटल एम ए तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब चूंकि ये चीज़ यहाँ पे आपकी आ गई है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर और कैपिटल एम बी और कैपिटल एम ए जो आया है ये आपका आर ए अपॉन आर वी से आया है तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया एम बी अपॉन एम ए एम बी अपॉन एम ए मास ऑफ वाटर वेपर जो रहता है 18 रहता है मास ऑफ एयर जो रहता है वो 28 रहता है ये मॉलिकुलर मास कहलाता है 0.622 आ जाएगी वैल्यू इसकी फ्रॉम द डाल्टन्स ऑफ पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दैट इज द पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी जो हम करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी तो पी ए प्लस पी वी इज इक्वल टू पी तो यहाँ पे अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू पी माइनस ऑफ पी वी ये हम लिख सकते हैं पी माइनस ऑफ पी वी जो लिखा हुआ है तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 एम बी अपॉन एम बी की जो वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पे पी बी अपॉन पी ए यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो उससे आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं और ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं कई तरीके से इसको जाना जाता है अब बात करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द मॉइस्ट एयर एज अ मेजर बाई एस स्टैंडर्ड थर्मोमीटर और अदर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर मेजरमेंट जो ड्राई एयर के लिए रहता है वो इस तरीके का लाइक दैट रहता है इस तरीके से इसकी वैल्यू जो यहाँ पे दिखाई देती है डिग्री सेंटीग्रेड में और या डिग्री फारेनहाइट में ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए हो जाएगा उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो अगला आएगा आपका ये आपका जो रहेगा दैट इज कॉल्ड अ वेट बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी रीच बाई द एवोपरेशन ऑफ वाटर ओनली तो एवोपरेशन ऑफ वाटर के कारण जो आपका टेम्परेचर रीच होता है दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड टेम्परेचर वन फील्स वेन वन स्किन इज वेट यदि स्किन वेट है जैसे कि नॉर्मली आप गर्मी में भी चेक करते ही हैं कि वहाँ पे आपका जब स्किन गीली होती है और उसको यदि आप एयर एटमोस्फेरिक एयर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तो एवोपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड अ वेट बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इट इज दैट कंडीशन जो टेम्परेचर होता है उसे वेट बल्ब टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है और उसके लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है वेट बल्ब थर्मामीटर ओके तो वेट बल्ब थर्मामीटर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई हियर दैट इज अ वेट क्लोथ विच इज सराउंडेड इज ऑफ ए वेट बल्ब थर्मोमीटर तो टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर कैन बी मेजर इजली दिस इज साइक्रोमीटर इन विच द ड्राई बल्ब थर्मोमीटर वेट बल्ब थर्मोमीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड हियर ओके दिस इज द अरेंजमेंट जिसमें कि आपका ड्राई बल्ब भी आ जाता है और वेट बल्ब टेम्परेचर आता है वेट बल्ब के लिए यहाँ पे हमने क्लोथ जो रहता है वो लगा देते हैं दैट इज द ग्लास ऑफ वाटर जो कि आपको यहाँ पे वाटर के फॉर्म पे मिलता है देन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है परसेंटेज के फॉर्म में रहती है और इसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन अ मिक्सचर टू द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाई द फाइजिबल टू पी वी बाई पी जी तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो आपकी दोनों चीज़ों का वाटर वेपर और ड्राई एयर का जो प्रेशर का रेशियो है दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और उसी को वॉल्यूम के फॉर्म पे लिख सकते हैं दैट इज अ वी जी बाई वी वी इज इक्वल टू डेंसिटी के फॉर्म में यदि लिखना है तो रो जी बाई रो वी वी नो दैट पी वी इंटू वी वी इज इक्वल टू पी जी इंटू वी जी ये हमारे एक इक्वेशन रहती है जिसमें कि हम बात करते हैं कि उसका मास जो इक्वल है तो पी वी इज इक्वल टू जब एम आर टी करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है तो एम आर टी इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर इन अ बोथ केसेस एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर एट ए गिवन टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सेचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि जो मास ऑफ वाटर वेपर है और मास ऑफ ड्राई एयर है, इन दोनों का रेशियो रहता है। बट वैसे जैसे कि हमने वहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के केस में किया था, 0.622 निकाला था, तो यहाँ पे वो जो ओमेगा की जो वैल्यू रहती है 0.6225 पीजी अपॉन पीए, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन और सेचुरेशन रेशियो, इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन को। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एक्चुअल एयर टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द सेचुरेटेड एयर। तो एक्चुअल एयर जो रहती है अनसेचुरेटेड रहती है, और जो आइडियल एयर रहती है वो सेचुरेटेड मान के चलते हैं एट द सेम टेम्परेचर पे। तो दैट इज द म्यू इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा जी। तो ओमेगा था आपका निकल गया था 0.622 पी वी अपॉन पी माइनस ऑफ पी वी, और ओमेगा जी जो है आपका वाटर वेपर के लिए 0.622 पी जी अपॉन पी माइनस ऑफ पी जी। तो जब दोनों को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो म्यू इक्वल टू पी वी अपॉन पी जी आ जाएगा, वो जो लिखा हुआ है 0.622 ऊपर से और नीचे से कैंसिल आएगा, तो ये पी वी माइनस ऑफ पी जी यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा और पी माइनस पी वी नीचे आ जाएगा। तो पी वी बाई पी जी, और इसको यहाँ पे दोनों जगह से यदि पी ऊपर से निकाल लेंगे नीचे से भी निकाल लेंगे तो 1 माइनस ऑफ पी जी बाई पी लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ पी बाई पी लिख सकते हैं। तो जब इस तरीके से लिखते हैं तो ये पी वी बाई पी जी जो रहेगा 5 बन जाएगा, और ये आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन म्यू जो है इस फॉर्म में निकल के आ जाएगा। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द साइकोमेट्रिक। अब यदि बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है दैट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट एयर होल्ड्स एम बी रिलेटिव टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कैन बी होल्ड एट द सेम टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डिस्कशन अभी इसके पहले वाली स्लाइड में भी की थी, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है नॉर्मली परसेंटेज फॉर्म में रहती है, इसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज द पी वी बाई पी एस, कई बार इसको मास के फॉर्म में लिखा जाता है, तो मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर एट द सेचुरेशन कंडीशन। सेचुरेशन कंडीशन पे मास ऑफ वाटर वेपर कितना परसेंट है वो अपने को देखने लायक है। तो यहाँ पे आपका जो है छोटे छोटे बीकर्स में जो दिखाया गया है दैट इज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्वांटिटीज, उसके हिसाब से वेरी कर रही है कितने परसेंटेज है। यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, यहाँ पे 67% है। 100% का मतलब ये है कि मास ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर एट अ सेचुरेशन कंडीशन, दोनों यदि इक्वल है तो उसको केस में 100% रहेगी। यदि मास ऑफ वाटर वेपर आपका कम है कंपेयरिंग टू मास ऑफ वाटर वेपर एट अ सेचुरेशन कंडीशन, तो ह्यूमिडिटी भी कम होती चली जाएगी 67-50, और यदि ज़्यादा है तो 75%। इस तरीके से इसका वेरिएशन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का चलता रहता है। फिर बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इसको डिफाइन करने के लिए दैट इज द रेसिपी ऑफ द डेंसिटी, ये हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसी चीज़ के लिए यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका ये है, नंबर ऑफ द क्यूबिक मीटर ऑफ द मॉइस्चर पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर, एक किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में कितनी मॉइस्चर शामिल है, वाटर वेपर शामिल है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यूनिट जो रहती है वो मीटर क्यूब के ऊपर के जी डेंसिटी का रेसिपी है ऑफ द ड्राई एयर। यूज टू कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ एयर, इसका इस्तेमाल जो रहता है मास फ्लो रेट ऑफ एयर का जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, दैट इज़ अ स्मॉल वी इजिकल टू कैपिटल वी बाई स्मॉल एम इज इक्वल टू डेंसिटी टू पावर ऑफ माइनस ऑफ 1, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। एंथैल्पी, द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर इज द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड द एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर लेटेंट के फॉर्म में रहती है, यहाँ पे फेज चेंज होती है, और जो ड्राई एयर रहती है वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे सेंसिबल हीट होती है। तो टोटल एंथैल्पी सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट होती है, सेंसिबल हीट एंथैल्पी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि कम या ज़्यादा होता है, यदि बढ़ेगा तो सेंसिबल हीट बढ़ेगी, यदि कम होगा टेम्परेचर तो सेंसिबल हीट कम होगी। लेटेंट हीट एंथैल्पी चेंज ड्यू टू द चेंज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेशियो यदि वेरिएशन कर रहा है, या बोलना चाहिए ह्यूमिडिटी रेशियो कम या ज़्यादा हो रहा है, यदि एडिशन हो रहा है तो लेटेंट हीट बढ़ेगी, यदि कम हो रहा है रिमूवल हो रहा है मॉइस्ट एयर का या वाटर वेपर पार्टिकल का, तो उस टाइम पे लेटेंट हीट कम होगी। दैट इज द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर यदि एंथैल्पी ऑफ एयर प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर एसोसिएटेड, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, एंड दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एच एयर प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर एंथैल्पी ऑफ इनटू ह्यूमिडिटी रेशियो। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो पिक्चर में आया है, और एंथैल्पी ऑफ एयर दैट इज अ सी पी टी डी बी,
ये आपका जो रहता है एंथैल्पी ऑफ एयर के लिए फार्मूला है, मास 1 kg लेके चल रहा ड्राई एयर का प्लस ओमेगा इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपर। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एयर जो रहेगी, सीपी ऑफ एयर जो रहती है 1.005 रहती है, ड्राइवल टेम्परेचर दिया रहेगा क्वेश्चन में, वेयर सीपी इज अ स्पेसिफिक हीट जो कि हमें पता है होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपर एचजी प्लस सीपीएस टीडीपी माइनस ऑफ टीडीपी। यदि वाटर वेपर जो है सुपर हीटेड कंडीशन में चला गया, सुपर सेचुरेटेड कंडीशन चला गया, तो वहाँ पे जो वाटर वेपर की कंडीशन रहेगी सुपर हीटेड रहेगी, तो एंथैल्पी ऑफ वेपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इज द 2500 प्लस 1.88 सीपीएस जो वाटर वेपर लेके चल रहा है 1.88 है। और यदि आपका यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर नहीं है जीरो उस केस में आपका 1.88 टीडीबी लिखेंगे। तो सीपीएस दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर दैट इज 1.88 जो हम की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को जीरो लिया गया है। एंथैल्पी ऑफ वेपर दैट इज द 1.005 टीडीबी प्लस ओमेगा। अब चूंकि मॉइस्ट एयर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्राई एयर का निकल के आ गया है प्लस आपका वाटर वेपर का निकल के आ गया, दोनों को जब देख देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला जनरेट हो जाएगा। कैरियर इक्वेशन यूज करते हैं यदि आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के लिए, उसके लिए कैरियर इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेटेड बाय द साइंटिस्ट कैरियर। When DVT and WVT are given for calculating the partial pressure of water vapor in many equation, तो carrier equation लगा के हम यहाँ से partial pressure of water vapor निकाल सकते हैं, where यहाँ पे equation के रूप में भी आप देखेंगे that is the PG in the bracket of water vapor wet well minus of P minus of PG minus of TdV minus of TWD into 1.8 upon 2800 minus of 1.3 इन ब्रैकेट ऑफ 1.8 टीडीबी प्लस 32। तो जहाँ पे कि पीजी डब्ल्यूबी जो है सेचुरेशन प्रेशर है एट वेल्ड टेम्परेचर पे है, पीवी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है, पीजी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड वेपर है, पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर है, टीडीबी इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, टीडब्ल्यूबी इज द वेट बल्ब टेम्परेचर है। साइकोमेट्रिक चार्ट की भी बात करेंगे, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो कि पूरी हो चुकी है उसमें हमने आपने ड्यू पॉइंट ड्राइवल टेम्परेचर वेटवल टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और आपकी एंथैल्पी ये सारी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस कर ली। अब हम मूव करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट की। तो साइकोमेट्रिक चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें कि सारी प्रॉपर्टीज को शो किया जाता है कि किस तरीके से बिहेव कर रही चार्ट में, कि उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन है कि इंक्लाइन लाइन है, वर्टिकल लाइन है कि कर्व लाइन है, किस तरीके से वो शो कर रही है, किस परसेंटेज में आ रही हैं, किस टेम्परेचर में आ रही हैं या किस क्वांटिटी में निकल के आ रही हैं वो रहती हैं। एज द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्ट एयर आर द टेडियस एंड द टाइम कंज्यूमिंग ऑल द सेंसरी डेटा फॉर द कंप्लीट थर्मोडायनेमिक एंड द साइकोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ एयर कंडीशनिंग प्रोसेस कैन बी समराइज एंड कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट सच ए चार्ट विच मेक्स इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द necessary information readily for the engineering calculation related to the moist air known as a psychometric chart। एक ऐसा चार्ट जहाँ की ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है उस चार्ट को हम साइकोमेट्रिक चार्ट के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर यूज किया जाता है यूजिंग द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एज ए कोऑर्डिनेट्स। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओरिएंटल एक्सेस में रहता है और आपको जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो वर्टिकल एक्सेस में रहती है, दैट इज अ टू कोऑर्डिनेट्स, उसको आप इसमें देख सकते हैं इजिली। एट ए गिवन मिक्सचर प्रेशर द वेपर प्रेशर पी वी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वनली एंड हैज देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ पी वी फॉर द ईच वैल्यू ऑफ द ओमेगा। ओमेगा की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे पी वी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इट इज एन हॉरिजॉन्टल एबिस का एंड स्पेसिफिकिटी इज द वर्टिकल ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो आप कर्व वाली लाइन जो देख रहे हैं ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है, परसेंटेज फॉर्म में रहता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री लाइक दैट यहाँ पे चलता है कंटिन्यूसली। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो रहती है ये जूल पर के जी किलो जूल पर के जी पे रहती है, आपकी वैल्यू जो रहेगी आपकी निकल के चली आएगी 0.002 0.04 इस तरीके से रहेगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं ये डॉटेड फॉर्म में रहती है, अभी हम लेटर स्लाइड्स में हम आपको एक एक प्रॉपर्टीज का नेचुरल डिस्क्रिप्शन देंगे। वेट वेल्ड टेम्परेचर जो रहता है ये आपका
यहाँ पे रहता है जो आपको लाइन देखना है वेटेबल टेम्परेचर की, रहती लाइन है वेटेबल टेम्परेचर जो होता है, एंथैल्पी की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली दे वेटेबल टेम्परेचर पैरेलल में चलती है, यहाँ पे किलो जूल पर केजी में रहती है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, यहाँ पे जहाँ भी इंटरसेक्टिंग होगी यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच कर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे। सेचुरेशन कर्व जो है ये आपका जो कर्व क्लोज होता है दैट इज कॉल्ड अ सेचुरेशन कर्व। यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर और वेट वर्ल्ड टेम्परेचर तीनों ही टेम्परेचर इक्वल होते हैं उसके कर्व को सेचुरेशन कर्व बोलते हैं। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वन रहती है, यहाँ पे रिलेटिविटी लेस देन होती है क्योंकि इसके अंदर हम काम कर रहे हैं 95%, 90%, 85%, 80% लाइक दैट, इस तरीके से वैल्यूज की वैरी करती है। तो जो चार्ट आपको मिलता है वो इस तरीके का कुछ रहता है जिसमें कि आप एंथैल्पी यहाँ पे देखें किलो जूल पर केजी में रहती है, और ओरिएंटल में ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर है, वर्टिकल में आप देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी एक ग्राफ के रूप में, एक यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो जो ये जो लाइनें देख रहे हैं वेटेबल टेम्परेचर लाइन है, ग्रीन लाइनें जो आपको दिख रही हैं, और कर्व जो लाइनें दिख रही हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें हैं। एंथैल्पी जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किलो जूल पर केजी में रहती है। तो इस तरह की लाइनें हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 100% है सेचुरेशन कर्व पे, इसका अंदर यदि आप जाएंगे तो ये 90%, 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और यहाँ पे 0, इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो रहती है वो वेरी करती है। ये साइकोमेट्रिक चार्ट है जिसमें कि अभी हम चार्ट के अंदर देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डेंस था वो, ये ओपन डायग्राम है जिसमें कि आप क्लियरली देख रहे हैं। तो रिलेटिविटी कर्व फॉर्म में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एंथैल्पी इस फॉर्म में, वेटेबल टेम्परेचर इस फॉर्म में, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये आपका हॉरिएंटल उसमें रहता है, सिस्टम में रहता है कि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू पढ़ लेंगे, पॉइंट ड्रॉ करके सपोज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे तो यहाँ से रीड कर लेंगे। ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर आपका दिख ही रहा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, यहाँ पे आपका ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर जो आप देख रहे हैं इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। अब सेचुरेशन कर्व की बात करें, एक ऐसा कर्व या ऐसी लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है सेचुरेटेड एयर की कंडीशंस को एट डिफरेंट टेम्परेचर, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पास ऑन दिस कर्व, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन दिस कर्व इज 100%। इस कर्व पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू रहती है 100%, जैसे कि हम बात कर रहे थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, दीज आर द कर्व विथ ह्यूमिडिटी रेंजिंग फ्रॉम द मैक्सिमम 100% टू मिनिमम 0%, 0 से 100% की जो लाइन अभी जो हमने डिस्कशन किया वो रहती है। कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, दीज आर द इंक्लाइंड लाइन्स एंड आर इक्वली स्पेस, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो डॉटेड फॉर्म में थी आपको हमने बताया था वो कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन रहती है। द डब्ल्यू बी टी लाइन्स आर मच फ्लैटर देन द कॉन्स्टेंट एंथैल्पी लाइन, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की लाइन में फ्लैटर रहती है, अंदर साइड पे रहती है, उसको हम कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन के रूप में जानते हैं, और डब्ल्यू बी टी लाइन जो रहती है अपर एंड टू एंथैल्पी फॉर्म के काफ़ी अंदर रहती है। डी बी टी लाइन, दीज आर द वर्टिकल लाइन्स, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन्स, दीज आर द ओरिएंटल लाइन। तो डी बी टी जो लाइन रहती है वो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो लाइन रहती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव करती है इन अ वर्टिकल ऑर्डिनेट। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉइस्चर, जो कि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में बताता है। नीड टू क्वान्टिटीज फॉर ए स्टेट ऑफ पॉइंट, आपको ओरिएंटल में ट्राइबल टेम्परेचर चाहिए और वर्टिकल में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चाहिए ताकि हम उसकी क्लियरली स्टडी कर सकें। अब एक एक करके लाइनों को हम डिस्कस करेंगे अलग से डायग्राम में। तो ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट है जिसमें कि ट्राइबल टेम्परेचर को यदि पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ेंगे। सपोज दैट इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू 20 एंड द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द इन द राइट साइड दैट इज़ अ 105। तो वर्टिकल जो लाइन है ये ट्राइबल टेम्परेचर को शो कर रही है साइकोमेट्रिक चार्ट में, ठीक है। वेट वेल्व टेम्परेचर लाइन ये आप जो देख रहे हैं इंक्लाइन लाइन तो देख रहे हैं, वेट वेल्व टेम्परेचर रहती है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 20, 40, 85 इस तरीके से वैल्यू वेरी करती है। तो ये वेट वेल्व टेम्परेचर लाइन हो गई, ठीक है। आप जो इंक्लाइन लाइन देख रहे हैं ये वेट वेल्व टेम्परेचर लाइन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है जो वैल्यूज हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। इट इज़ द डिटरमाइन व्हेन एयर इज सर्कुलेटेड,
पास्ट ए वेटेड सेंसर इंटरसेक्शन ऑफ डीपीटी एंड डब्ल्यू बी डी प्रोवाइड स्टेटस पॉइंट 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपकी वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन सर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन ये परसेंटेज फॉर्म में आपको पहले बताया था कर्व के फॉर्म में 20%, 45%, 80%, 100%, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज फॉर्म में है। सेचुरेशन कर्व पे 100% ह्यूमिडिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन कर्व। यहाँ पे सेचुरेशन कर्व रहता है, ये आपको इसमें थोड़ा डिटेल में दिख जाएगा। और जितनी भी आप कर्व लाइन देख रहे हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कहलाती है, बहुत ही हेल्प करेंगी अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। इट इज़ अफेक्टेड ह्यूमन कम्फर्ट सिग्निफिकेंटली, तो ह्यूमन कंफर्ट को ये बताती है, जितनी ज़्यादा रिलेटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो मास ऑफ वाटर वेपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि मास ऑफ वाटर वेपर कम है तो उस केस में हो सकता है कि रिलेटिविटी कम हो जाए। तो रिलेटिविटी ज़्यादा होने से कूलिंग इफेक्ट आता है, कम होने से वार्मिंग इफेक्ट आता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है आपका हॉरिएंटल, उसमें एक्सेस में देख रहे हैं कि ऐसे हॉरिएंटल लाइन है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख रहे हैं 20, 50, 85, इस तरीके से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन है। सेचुरेशन लाइन इज अ टेम्परेचर कंडीशन एट विच द वाटर विल बिगेंस टू कंडेंस आउट ऑफ द मॉइस्ट एयर, एक ऐसी लाइन जहाँ की टेम्परेचर जो कंडीशन है वो स्टार्ट होती है कंडेंस के फॉर्म में आउट ऑफ द मॉइस्ट एयर, इट इज कॉल्ड अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन दिख रही है, ठीक है, ओरिएंटल लाइन। ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस ये आपकी दिख रही है 0, 0.001, 0.02 केजी ऑफ मॉइस्चर पर केजी ऑफ द ड्राई एयर, ये ह्यूमिडिटी रेशियो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है। स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन ये आपकी इंक्लाइन लाइन इस तरीके से रहती है, किलो जूल पर केजी में रहती है, 10 किलो जूल पर केजी, 25 किलो जूल पर केजी, 50 किलो जूल पर केजी, इस तरीके से इसकी वैल्यू वेरी करती है। एंथैल्पी इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ड्राई एयर एंड मॉइस्चर एक्सप्रेस इन किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 130 तक जा रही है। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इज साइजिंग ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल, हीटिंग और कूलिंग कॉइल की साइजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन डॉटेड फॉर्म में रहती है, यहाँ पे भी ऐसा शो नहीं किया गया बट डॉटेड फॉर्म में रहती है, चार्ट में आप देखेंगे मीटर के ऊपर केजी में रहती है 12, 13, 14, इस तरह की स्लाइडेड इसकी वैल्यूज वेरी करती है। ये आप वैल्यू देखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंडिकेट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर, दिस इज द यूजफुल इन कन्वर्टिंग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो टू द मास फ्लो रेट कैलकुलेशन, 0.800, 0.825, 0.850, 0.875, 0.875, 0.950, दिस आर लाइक दैट मीटर के पर केजी। थैंक यू, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इन द साइकोमेट्रिक चार्ट। लेटर आई विल डिस्कस अबाउट द साइकोमेट्रिक प्रोसेस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। थैंक यू।